आज हम बनाने वाले हैं फर्ड पेंटिंग, जिसके लिए हम सबसे पहले एक बॉर्डर बना लेते हैं चारों ओर से और लाइट लाइट ड्रॉ करना है। फर्ड पेंटिंग राजस्थान की लोकप्रिय चित्रकला है। सबसे पहले हम यहाँ पे भगवान कृष्ण ड्रॉ करने वाले हैं आज, तो यहाँ हम उसका एक फेस ड्रॉ करते, उनका माथा ड्रॉ करते, यहाँ पर हम उनकी नाक, सब डेकोरेटिव फॉर्म में होता है, तो उसी टाइप से हम उनकी आँख भी बना लेते हैं और यहाँ से हम उनका सर के ऊपर की पगड़ी बनाते हैं सर्कल बनाने के बाद, और यहाँ से उनका हेयर स्टाइल अंदर का पार्ट रब कर लेते हैं। यहाँ पे मोर पंख ड्रॉ कर लेते हैं, भगवान कृष्ण को मोर पंख पसंद था इसलिए वो ड्रॉ कर लेते हैं। सारा का सारा ड्राइंग अलंकारिक होने वाला है, उसी टाइप से ड्रॉ करना है। कान में भी बाली बना देते और आईब्रोज ड्रॉ कर लेते, यहाँ से हम उनके शोल्डर ड्रॉ कर लेते, गले में एक सुंदर सी माला बनाते हैं। माला का डिज़ाइन हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर बांसुरी पकड़ के रखा है, इस टाइप से हम उनके हाथ की पोजीशन रखते हैं और यहाँ पे उनकी बांसुरी पकड़ के रखा उस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर का पार्ट रब करना है, यहाँ पे और एक हाथ ड्रॉ करते हैं, ये एक ही सीध में है, तो तीन इधर से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे अंगूठा ड्रॉ कर लेते हैं और बड़ी सी बांसुरी ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से ड्रॉ करना है, लाइट लाइट ड्रॉ करना है, और यहाँ पे एक बड़ा सा फिंगर ड्रॉ करते हैं, हाथ की हथेली वापस सेम एज इट इज दूसरा हाथ भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम उनका कमर का पार्ट बनाते हैं, उनकी जो पोशाक है वो भी ड्रॉ करेंगे, कमर के ऊपर सुंदर सी एक माला बना लेते हैं। डिजाइन में हम हमारे चॉइस का डिजाइन बना सकते हैं। ये जो पेंटिंग बनती है, ये पेंटिंग महाभारत और रामायण से रिलेटेड होती है, देवी देवताओं की इसमें पिक्चर्स ड्रॉ की जाती है। फोक आर्ट है राजस्थान का। ये जो पेंटिंग बनाई जाती थी, ये प्राकृतिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता था, उसमें गोंद मिलाया करते थे, पत्तों का, खाल का रस निकाल के उसके अलग अलग शेड बना के यूज़ करते थे। ये कोई 700-800 साल पुराना आर्ट वर्क है, राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हम आम के पत्तियाँ ड्रॉ कर लेते हैं, हल्के हल्के हाथ से ड्रॉ करना है, बाद में हम इसके ऊपर कलरिंग भी करेंगे। बड़ी ही प्राचीन कला है। यहाँ पे हम एक गाय बनाते हैं, भगवान कृष्ण को गाय भी बड़ी पसंद थी। इसकी उत्पत्ति जो है पेंटिंग की, वो शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान के पास में पाई जाती है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये। तो गाय का एक सींग भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ उसका पीछे का पार्ट कमर, उसके गले में भी सुंदर सी माला बना लेते हैं। ये जो पेंटिंग बनती है, ये धार्मिक कथाओं के आधार पर बनाई जाती है, तो महाभारत रामायण इस टाइप से और भी टॉपिक मॉडर्न एज में आज अलग अलग टॉपिक पे भी बनाई जाती है। तो इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। और ये जो पेंटिंग बनाई जाती थी, ये कपड़े पे ही बनाई जाती थी, इसलिए उसका नाम फर्ड पड़ा है। सूती कपड़ा, जो कॉटन का कपड़ा होता है, उसके ऊपर बड़ी लंबी सी पेंटिंग बनाई जाती थी, 10 फीट 15 फीट इस टाइप की। इस पेंटिंग का श्रेय पद्मश्री लालजी जोशी को जाता है, जिन्होंने ये परंपरा कायम रखी। तो अभी हमने ड्रॉ कर लिया है, वाटर कलर करने वाले, इसलिए पहले वॉश कर लेते क्योंकि कलर मिक्स करना है, और पॉइंट के ब्रश भी है थोड़े बड़े नंबर के भी, इनमें से इस टाइप से भी अपन पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का भी यूज़ कर सकते, मार्कर से पहले भी आउटलाइन कर सकते हैं या पूरा पेंटिंग हो जाने के बाद भी। तो भगवान कृष्ण है इसलिए उनका जो रंग है नीले रंग का बना रहे हैं, लाइट लाइट कलर फील करना है, हल्के हाथ से करना है,
बहुत प्रेशर दे के नहीं करना है, और जो उनका बाल है बालों के अंदर डार्क ब्राउन, यहाँ पे हम और भी शेड कर सकते हैं। और ड्रेस में हमने नीचे जो पोशाक है वहाँ पे येलो शेड, जो जितनी भी ज्वेलरी है यहाँ पर हमने लेमन येलो और ऑरेंज शेड का यूज़ किया है, तो वो भी चीज़ें ध्यान देना है। अपने चॉइस के भी कलर कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं यहाँ पे उनकी ज्वेलरी, तो इस टाइप से लाइट लाइट कलरिंग करना है। जो गाय है वो गाय को भी हम कलर कर सकते हैं, नहीं तो वाइट भी रख सकते हैं, या फिर हमारे मनपसंद कलर भी इसमें भर सकते हैं। डेकोरेटिव फॉर्म में इसलिए कलरफुल हो सकता है, तो इस टाइप से हम इसको बनाते चलते हैं। पूरा कलरिंग अच्छे से करना है, सूखने देना है फिर कलरिंग करना है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए इस टाइप से। इस पेंटिंग में भी प्राय 5-6 ही कलर यूज़ होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, इस टाइप से। तो मुख्य मुख्य जो कलर है, जितने भी हमारी फोक आर्ट पेंटिंग है, ट्राइबल आर्ट है, इन सब में लगभग यही कलर यूज़ किया करते थे। और ये जो बर्ड पेंटिंग है ये डेकोरेटिव फॉर्म में है, रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए इस टाइप से ड्रॉ करना है। उनकी नाक की रचना अलग है, उनके होठ की रचना अलग है, तो सब कुछ ध्यान से बनाना है। जो पेड़ बना रहे हैं यहाँ पर हमने येलो ऑकर शेड किया है, और ड्रेस के ऊपर जो फ्लावर ड्रॉ किए हैं उनमें भी अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद हमने जो बॉर्डर बनाई है उसके अंदर और एक लेमन येलो से बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कलर से भी बना सकते हैं, ऑरेंज कलर से भी, तो इस टाइप से हम बॉर्डर भी बना लेते हैं। सूखने देना है, उसके बाद जो ब्राउन या फिर रेड कलर का यूज़ करके बड़ी बॉर्डर बना लेते हैं। यही बॉर्डर हम बैकग्राउंड के अंदर भी कर सकते हैं या फिर बाहर भी कर सकते हैं। पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद मार्कर या फिर ये बॉल पेन है इसका यूज़ करके हमें अच्छे से आउटलाइन करना है। ये वाली पेंटिंग हैंडमेड शीट के ऊपर बनाया या वाटर कलर की शीट पे बनाया तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, और ये तो अपन ने वाटर कलर से बनाया, यहाँ पे एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर का भी यूज़ करके पेंटिंग बना सकते। आपको पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।